योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति हैं, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। Somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get, you know, his mental balance checked। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। अरे अतुमत भाई, दोस्तों भारत में कुत्ता पालना बहुत कठिन काम है, और जब कुत्ते को आप टाइम टू टाइम बिस्किट नहीं दे पाओगे तो कुछ इस तरह की हरकत करेगा। योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति हैं, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। Somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get, you know, his mental balance checked। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, हम बात करेंगे भक्ति में डूबे हैं अंधभक्त के बारे में। तो पहले अंधभक्त की यह वीडियो देखिए। हिंदू राष्ट्र चाहिए, संविधान का मतलब कोई वो वैल्यू नहीं। मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, मैं किसी चीज में आ गया, संविधान कहाँ से आ गया? हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में रहने के लिए किसी संविधान की जरूरत। ये हिंदू राष्ट्र होना। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? चाहता हूँ गृहमंत्री जी, क्या आप गृह मंत्री के तौर पे, कि आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती है? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं, संविधान को स्पिरिट के साथ स्वीकार करते हैं, और ये देश का एक ही धर्म हो सकता है, सरकार का, देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है हमारा संविधान, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। म्यूजिक आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। अरे अतुमत भाई। दोस्तों संबित पत्रा का कहना है कि एक गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती होती है। गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है, कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा। अब देखिए इन्हीं साहब ने बड़े ज्ञान के साथ क्या कह गए। द डेट इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2268.93 करोड़, लगभग 3000 करोड़ का कर्ज। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। दोस्तों संबित पत्रा के किए हुए साझा अब इन भक्तों को मिलेगी। संबित पात्रा ने बड़ा जोर लगाकर बोला, 3000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। हाँ, दिल्ली सरकार, भारत सरकार पर कितना कर्ज है? मैं, आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा का बोलने का संदर्भ क्या था। मैं बता रहा हूं सरकार पर कितना कर्ज है। भारत सरकार जो है वो सारे स्टेट्स को भी पैसा देती है। भारत सरकार पैसा देती है। गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पे आज से कोई कर्ज है? कांग्रेस सरकार पर कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पर कोई आज से कर्ज है? उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज? ये तर्क क्या है? 1,00,000 करोड़ से ज्यादा सब पर। संदीप चौधरी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए। तो दोस्तों ये लोग तो आपको बताएगा नहीं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि 2014 में भारत सरकार की कर्ज था 55,00,000 करोड़ रुपए। उसके बाद इन जैसे मोहन नेताओं के वजह से 2023 में 147,00,000 करोड़ हो गया है। अब देखिए मोदी जी मुझे मारने के लिए बॉडी बना रहे हैं।